पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को रेलवे ने अपने यहां से अगले आदेश तक वरिष्ठ कमर्शियल मैनेजर के पद से निलंबित कर दिया है। सुशील का निलंबन 23 मई से लागू कर दिया गया है और अगले आदेश तक वह निलंबित रहेंगे। आपको बता दें कि सुशील को 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। हत्या के आरोप में सुशील कुमार के खिलाफ हो रही जांच को लेकर ही रेलवे ने ये बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले सुशील को दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा के अधिकारी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की खातिर मंगलवार को छत्रसाल स्टेडियम लेकर गए थे। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस दल सुबह के वक्त अपराध स्थल पर गया था और दोपहर तक वहां से लौट आया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच कर रही पुलिस के अपराध शाखा के अधिकारियों का दल जांच के सिलसिले में छत्रसाल स्टेडियम गया था। घटने वाले दिन अपराध किन परिस्थितियों में हुआ ये जानने के लिए तथा अपराध दृश्य की पुनर्रचना करने के लिए सुशील कुमार को भी घटना स्थल पर ले जाया गया। सुशील से सोमवार को भी करीब 4 घंटे तक पूछताछ चली। अधिकारियों ने बताया कि वे इस मामले की जांच अलग कोण से कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुमार से घटनाक्रम का पता लगाने के लिए सवाल किए गए हैं कि किन हालात में अपराध हुआ ये जानने का प्रयास किया गया और घटना के बाद वहां कहां कहां गए ये पूछा गया। बता दें कि 4 से 5 मई के दरमियान रात को छत्रसाल स्टेडियम में सुशील और उनके सहयोगियों के कथित हमले में 23 साल के पहलवान की मौत हो गई और उनके 2 दोस्त घायल हो गए। घटना के पीछे की वजह मॉडल टाउन इलाके में स्थित एक संपत्ति को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है।